अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। कभी तुम आते कहो, कभी तुम जाते कहो, कभी तुम रोते कहो, कभी तुम हंसते कहो। अरे नामों में अनमोल, नामों में अनमोल खजाना मिला है, खजाना मिला है। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। राधा का नाम जिसे निराला मिला है, राधा का नाम हमें निराला निराला मिला है। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। अरे अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। हमारी राधा रानी, हमारी राधा रानी वो है बरसाने वाली, सुखों को देने वाली दुखों को हरने वाली, सुखों को देने वाली दुखों को हरने वाली। हम भक्तों को जीवन दोबारा 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 मिला है। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। तीन बार मौत से बचा लिया राधा रानी ने। क्यों जी? प्रत्यक्ष झूठ नहीं बोल रहा हूं, राधा रानी साक्षी है, मौत से बचाया डायरेक्ट। एक बार तो ऐसा सुन उठा, ओ मर गए, आ राधे राधे, अपने आप निकल गए, राधे राधे राधे। 15 मिनट तक ऐसे पकड़ के बैठा रहा और 15 मिनट तक अंदर ही अंदर राधे राधे चल रहा है। 15 मिनट बाद तो सूल ऐसे गायब हो गया जैसे कोई रफा, एकदम 1 2 3 एकदम ठीक हो गया। एक बार एक भक्त ने, महाराज जी क्या बताऊं, छुड़िए, हम बीमार पड़ गए, दो भक्त थे गोविंद बाबा में, गर्मी का टाइम तो अब पैसे तो रखते नहीं थे हम, तो धीरे धीरे वो बोले, भक्त लोग बोले जाओ सरकारी अस्पताल में दिखा दो। तो हम दो जने दोनों लड़खड़ाते लड़खड़ाते सरकारी अस्पताल आए, तो डॉक्टर देखा इतना तेज बुखार, बोले भैया हमारे बस की बात नहीं, तुम दिल्ली रेफर हो जाओ। बोले महाराज जी हमारे तो, बोले हमारे पास इलाज नहीं है, क्योंकि कुछ मर जाओगे तो फिर हमारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी। तो उस डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो हम धीरे धीरे, तो एक सम हम राधाबाग जाते थे, राधाबाग है यहाँ पास में, तो राधाबाग के कुआं का जल हम हमेशा तारीफ सुनते थे, उसमें ये है ये है। तो मैं बोला मरना तो है ही है, चलो राधाबाग जाके मरें कम से कम। दोनों जने धीरे 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 जैसे तैसे हम राधाबाग आए और कुआं से जल निकला निकला बाल्टी में तैयार था। राधाबाग आपने भी देखा है, तो उसमें किसी भक्त ने पहले से बाल्टी आधा बाल्टी पानी, तो हम एक एक लोटा जल पी गए बुखार में, ठंडा जल राधा रानी का अमृत समझ के। राधा का नाम जिससे निराला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला है, वो अमृत ही है समझो हमारे लिए, वो जल अमृत का काम कर गया। तो हम एक एक लोटा पी गए और वहीं पे कुआं के सामने ही बना हुआ है, देखा थोड़ा सा, वहीं हम लेट गए, मतलब बेहोशी टाइप की आ गई पीने के बाद। आप मानोगे नहीं, 4 या 5 बजे का टाइम होगा, 5 बजे का लेटे लेटे 2 घंटे, 7 बजे हम उठे तो कहाँ का दर्द कहाँ बुखार, तुरंत खत्म सर, जल से खत्म पूरा बुखार। शरीर वाह, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी के अपने आप निकल रहा है। ये चमत्कार देखा भी। तो राधा रानी प्रत्यक्ष आज भी है, लोगों को विश्वास हो तो राधा रानी सब कुछ देती है जिसको जो चाहिए, ऐसी करुणामयी सरकार है हमारी। राधा रानी वो बरसाने वाली।